गौरक्षा दल नीमच द्वारा आज जिलाधीश नीमच के नाम गायों की सुरक्षा और लंपी वायरस की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने की मांग को लेकर तहसीलदार विवेक गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि जिन गौशाला निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है उसे तुरंत पूरा किया जाए, बेसहारा घूम रही गायों को सरकारी संसाधनों से गौशाला पहुँचाया जाए ताकि अनावश्यक दुर्घटनाएं जिससे आमजन और गाय दोनों की जान से खिलवाड़ होता है उसे रोका जा सके। लंपी वायरस को देखते हुए कलेक्टर द्वारा लागू धारा 144 का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। नगरपालिका द्वारा कोई एक जगह चिन्हित कर गायों के लिए आइसोलेट सेंटर बनाया जाए। तेजी से फैल रहे लंपी वायरस की रोकथाम के लिए बिना समय गवाए जिम्मेदार विभाग सक्रियता से ठोस कदम उठाए, गौ तस्करी रोकी जाए। गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष अंकित जोशी ने ज्ञापन वाचन किया। गौ सेवा समिति के मितेश अहिर के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीमच जिले के अंदर अभी कलेक्टर साहब ने एक बैठक ली थी, उसके अंदर डॉक्टर, पशु चिकित्सक, नगर पालिका और गौ सेवक भी शामिल थे। उसके अंदर नगर पालिका को एक जिम्मेदारी दी थी कि शहर में एक कोई जगह चिन्हित कर वहाँ आइसोलेट सेंटर बनाया जाए, क्योंकि जिले के अंदर लगातार लंपी वायरस बढ़ रहा है और इसकी गति भी तेज़ हो चुकी है। अभी हमारे में गौ सेवा समिति से हमने पर्सनल जिले के अंदर पहला मात्र एक आइसोलेट सेंटर बनाया जिसके अंदर 5 गोवंश अभी उपचारत है, वो लंपी वायरस से पीड़ित है। रोजाना केस हमारे पास में आ रहे हैं और 15 गोवंश को हमने मालिकों का पता लगा, शहर से जो सूचना मिलती ना मालिकों का पता लगा और उनको वहाँ पर आइसोलेट करवाया मालिकों से। इस तरीके से घटना बाकी नगर पालिका कोई जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपना रही है। कलेक्टर साहब द्वारा निर्देश देने के बाद भी अभी तक कोई जगह चिन्हित नहीं कि हमने चमड़ा कारखाना की जगह चिन्हित करने की बोला था उनको कि आप यहाँ पर बनाइए, यहाँ एक शहर के बीच में भी और एक तरफ भी यहाँ पर वो सेवक भी सेवा देंगे और शहर के नागरिक जो सेवादार हैं वो भी आकर यहाँ रोजाना सेवा देंगे। बाकी नगर पालिका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और ना कोई नीमच जिले के जनप्रतिनिधि और ध्यान दे रहा है गौ माता के ऊपर। हमारा कलेक्टर महोदय से एक ही निवेदन है कि जितनी भी गौशाला अधूरी पड़ी हुई निर्माण उन्हें पूर्ण करा जाए। पूर्ण होने से उन जो बेसहारा गायें घूम रही उनको आश्रय मिलेगा लंपी वायरस में, उससे उनका उपचार भी हो पाएगा और बहुत सी दो चार मांगे हैं। एक तो ये अपने कोई तस्करी ज़्यादा हो रही है नीमच जिले, इसको भी रोकने के लिए। और नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।